अभी तो मेहरबान है भाई। सुबह तो के 7 बजे है, 7:30। जी अटैक करने के लिए आऊँ और यहाँ तालाब के किनारे मछली दिखाता हूँ आपको, कितनी मछली यहाँ पर मछली पालन होता है यहाँ पर। तो अंकल जी दिखाएंगे भी, दाना घेरेंगे इनको और जब मछली दिखाएंगे। तो आज तो सिर्फ मैं मुँह हाथ धो के आ चुका हूँ क्योंकि आज जल्दी आना था, तो जियो टैग करनी थी, उसके बाद जाके नहा लूँगा। अंकल जी भैया, अंकल जी चारा डाल देंगे भैया, मछली आएगी ऊपर और आपको दिखाऊँगा। चलो जी अब मछली देखेंगे। बहुत है यहाँ से, तो वहाँ से नीचे है, यहाँ पर गहरा है, ओ यहाँ पर ऊँचाई है बहुत ज़्यादा। देखिए हाँ 30 फुट होगी, 15-20 फुट तो ज़्यादा ही है, 20-25 फुट होगी जी। हाँ टोटल तो गहरा ज़्यादा हो जाएगी। हाँ दाना डालेंगे भैया, होगी मछली ऊपर। अब देखते हैं सोगी का कहीं अब आ जाओ, तो 2 मिनट रुक जाओ बस, अब कर दो और कुछ भी तो। अभी आधा रसन आया और रसन होगा जब आओगे ऊपर। हाँ अलग ही अलग ही, और बुलबुले उठने लगे, बुलबुले उठने लगे। मुंह से देखते आदमी का ध्यान दर बढ़ जा। अलग ही अलग ही, कौन कौन सी मछली अंकल जी? इसमें रोहू है, गोल्डन है, ब्रिगेड है, सिल्वर है, 4-5 वैरायटी है। चलो अब मछली का राशन भाई। लो जी देखो ये है मछली का राशन, जाओ एक भाई इसका रेट है 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो मोबे की खड़े जी। अच्छा आओ आओगी ये वाल लगी, ये खुशगा लगी, इसके गियर पे ही तो वाल है, खुशबू आती होगी ना। वाल लगी भाई, मेहरबान रहा सही। हाँ अब ये देखो 1.5 महीने का बच्चा है जी इसका, 1.5 महीने जी, 2 महीने का, 1.5 का जो इन गिरा था वो बच्चा है। अन्य पिछले साल 7-6 महीने भी नहीं हुई थी। ठीक। हाँ गोल्डन लिखा, हेलो गोल्डन के लंबे के हैं 48 और 52 दोनों में मैं दे दूँगा ऐसा, तो चलो तुम ना दो, ये तो यही बड़ी है, इसमें गोबर पड़ा ना जी, इसी में बड़ी है। हेलो भाई, वाह भाई भाई, जब तो खिल गई मछली पूरी की पूरी, ये देखो कितनी आ रही है। हजारों मछली कट गई, तो है जी हजार हो रही होगी, तो अब चुप कर दो, गिर तो गया आपको यहीं गिरे, बस एक जगह ही, बस एक जगह ही गिरे जी, चेक जगह आ जा सारी। हाँ। जो बच्चा गिरा है ना कतले का गिरा 10 लाख। अच्छा 16 लाख एक दफे गिरा था, 16 लाख जी, जीरा बच्चा हाँ वहाँ तो गया पूरा जोड़। हाँ वे भी बच्चे वाली हैं जी, जावेद भाई उन्हें नहीं ले जाता, इसी में छोड़ दें।
वो बारिश ही मच्छी है थी, वो नहीं दिखाई देती भाई, वो तो जाली थी भाई। अच्छा, वो तो बढ़िया वाली मच्छी होती है, उसमें तो 7 किलो हो जाना था। खास तार थी वो मच्छी, ऊपर ही ऊपर फिर जाती। मछली देखने के बाद यहाँ चलते हैं, अभी हम और जियो टैग भी कर दिया। चलो भाई आगे चलते हैं। हेलो जी, राधे राधे, कैसे हो आप सब? आयो के आप सब अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए अभी बजे है 9:15 और मैंने सारा काम निपटा लिया है, झाड़ू पोछा बर्तन भी साफ कर दिया, जो नाश्ते के बर्तन है वे भी साफ कर दिया है। और अभी चावल बनाए हैं मैंने चूल्हे पर, दाल और दाल बना दी थी मैंने गैस पर कुकर में, और चूल्हे पर बनाए मैंने चावल। और देखिए गर्मी तो नहीं लगी रही थी चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा, तो मैं आई हूँ यहाँ पर अंदर बरामदे में हवा लेने के लिए, थोड़ी सी हवा ले लेती हूँ फिर चूल्हा साफ करना है। तो बस चावल ही बनाया है चूल्हे पे, ज़्यादा चीज़ तो मैंने बनाई नहीं क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी है चूल्हे पर। कल मामा जी आए थे तो वे जा रहे हैं घूमने के लिए गेर में चाचा जी आगे तरफ, तो इतने वे आए ना इतने में सारा काम निपटा दूँ झाड़ू पोछा, तो कह दिया बस रोटियाँ रह रही है सेक में, तो जब भी आवेगे ना जब भी बना दूँगी गैस पे गरम गरम से। और अभी सब जा चुके हैं भाई भी, और गगन भाई भी जा रहा है गेयर में पट्टी करवाने के लिए क्योंकि इसका। तो अभी देखिए हवा भी अच्छी चल रही है आज, कि आज इतनी गर्मी तो आ रही पर फिर भी चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा गर्मी से लग रही थी। तो मैं आई हूँ बरामदे में, तो अभी इधर की भी हवा चल रही है और उधर की भी, ने कर दिया साफ सफाई अंदर भी देखिए और इधर भी देखो, और यहाँ पर भी कर दिया है देखिए बाहर भी, और बस चूल्हा डाला है साफ करने के लिए, चूल्हा भी साफ कर देती हूँ और आगे निकाल के इसकी ठंडी करने के लिए रख देती हूँ, कट्टे में नहीं भरी जाती ना गरम गरम सी, तो अभी इसे फोड़ के ना ठंडी से हो जाएगी, बाहर निकाल देती हूँ इन्हें। दाल दिखाऊंगी पहले, इधर मैं चावल दिखा लेती हूँ, चावल मैंने निकाल दिया झरने में को और पतली में कर देती हूँ, बस वे बर्तन रह रहे हैं मैं भी साफ कर देती हूँ। तो चावल कर देती हूँ पहले, मैंने खाना लगा दिया है मामा जी का और भाई का, देखिए दाल चावल है रोटी सेकनी है, अभी तवा रख दिया मैंने गैस पे, और इधर खीरे है नींबू निचोड़ दिया इसमें और काला नमक डाल दिया कि प्याज और टमाटर, और प्याज हम खा रहे नहीं सावन में, तो अभी खीरे ही है बस। फ्रेंड्स अभी बजे है 11 और सारा काम निपटा दिया हमने, झाड़ू बर्तन भी कर दिया है, खाना भी खा लिया है मामा जी ने भी, और मामा जी की हो रही है चलने की तैयारी, वैसे तो मना कर रहे थे हम मामा जी को कल चल ले रहे ना, पर वे काम है ना तो इसलिए जाना पड़ रहा है इन्हें, कोई नहीं फिर आएंगे। तो चलो भाई भी जा रहा है छोड़ने के लिए बुढ़ाना, यहाँ पर पापा जी का खाना भी लेकर चल दिया है, देख चलो नीचे। यहाँ पर चलते हैं मामा जी को छोड़ने के लिए, बजे बुढ़ाने बुढ़ाने लोग छोड़ के लिए जा रहा है, बस मैं बिठा देगा बुढ़ाने से, और अभी खाना भी खा लिया है, वैसा हम मना कर रहे थे मामा जी को जाने को, तो मामा जी मन घूम गया था फिर आज अम्मा घूमने के लिए, तो अभी काम था इन्हें, तो चलो भाई मैं भी खाना खा लेती हूँ, अभी सारा काम निपटा दिया है, फिर खाना खा के ना आराम करना है और इसे भी देना है, वैसे सुबह दे दी थी इसे और अभी पे देनी है 11-12 बजे से इसे खाना दे देता है दोबारा। और भाई को बैठे हैं ऐसे है, चलो तो ऊपर ही चलो रोटी खाइए, रोटी खाने हैं ए चलो ऊपर, चलो ऊपर देखो जाने का नाम नहीं ले रही, देखो पूंछ ला रही पीछे से, चलो भाई आओ रोटी खाइए आइए।
चलो ना आ रही ऊपर ही देख ये देना। चलो चलो भाई चलो चलो ये ना जिन्ने पर डर रहता है कभी गिर दे नीचे। चल बंदर आ रहे बंदर नहीं बड़ी तारा है बहुत ज्यादा खली खली सा हो चुका है मामा जी के बिना। और मामा जी ना कल से आ रहे थे ना तो जी सा बढ़िया लग रहा था हमारा मजाक करते हैं। देखिए अभी फिर पहुंच चुका हूँ यहाँ पर हमने पेड़ लगाए थे फिलहाल ये पेड़ चल रहे हैं इनको इनको सिर्फ पानी की जरूरत है भैया तो प्रधान जी को आज मैं बोल दूँगा इन्हें पानी दुआ जी। देखिए हरा है अभी गड्ढा ये प्यारे हैं अभी चल रहे हैं बढ़िया तो इनको पानी की जरूरत है क्योंकि बरसात तो नहीं भैया दो दिन से वो जिस दिन ये लगे थे उस दिन बरसात हुई थी तो जी प्रधान जी को बोल देंगे कि पानी दो इनमें पानी तो यहीं पर ना। जियो टैग करनी है प्रधान जी आवे लग रहे अभी। अब देखिए आया हुए यहाँ से वाणा खानपुर खानपुर में ये नदी छट गई थी यहाँ से है प्रधान जी कितना पानी आ गया था इसमें पानी आ गया था भैया ये यहाँ शमशान घाट है यहाँ अच्छा। तक पानी था और उधर उमरपुर तक था और पानी पूरा डूब रहा है तो 20 फुट पानी था इसमें 20 फुट 20 फुट 20 फुट के करीब पानी था और लगभग जो इसके एरिया में जितनी फसल थी ये सामने कैमरा घुमाओ तो सब बर्बाद हो गई सारी बर्बाद हो गई जी। आप फसल तो इधर ये प्रधान जी का थोड़ा तकरीबन 15 बीघे का एक था ये एक में एक गन्ना भी नजर नहीं आने का आपको कम से कम इसमें एक आदमी फिरता हुआ दिखाई नहीं देता था जो पहले जो गन्ना था ये और ये पूरा ऐसे ही चला गया सीधा यहाँ से उमरपुर का रकबा आ जा फिर आगे अच्छा और बस खाली जो है पॉपुलर के पेड़ है ये बचे और बाकी फसल तो सब खराब ही होगी। अब रेत निकाल ले बहुत बढ़िया रेत निकल रहा है तो रेत निकाल ले जमुना का रेत यहाँ आ गया जमुना जी का रेत आ रहा है वापस की फूक फूक के और ये सब गाँव के लोग हैं जो रोज रेत निकाल रहे और ये इधर जो पेड़ लगवाए थे पहले पेड़ सब नदी ले नहीं लगे जी आप जी चलो और उधर से रेत निकाल ले देखिए आप देख सकते हैं उधर से रेत निकल रहा ये रेत मकंदों में होगा काम यूज होगा जी मकंदों में प्लास्टर में वैसे भाई 100 रुपए क्विंटल है रेत हाँ तो और महंगा होगा अब तो निकल नहीं रहा है इस रेत गंगा जमुना पे जो सब नदी है हाँ जी पानी ज्यादा आ रहा जी जो वहाँ की सुधान है बैलों से भी निकाल ले झोटे बुग्गी से निकाल ले और ट्रैक्टरों से निकाल ले देखिए उधर से भी निकाल ले। चलो तो जी प्रधान जी पानी बिल्कुल साफ होगा पहले तो आंसी पूरी गंदगी हो रही थी पूरा गंदा इतना गंदा पानी आता था इसमें पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रखी अरे घास इतना था इसमें वो और दो बड़ा था समंदर सोख बिल्कुल क्लियर पानी रहा अब तो देखिए कितना साफ पानी रहा पेडे वगैरह रखे थे ये प्राकृतिक है हकीकत है यार सफाई और गंदगी सारी गंदगी धो देगी पेडे लगाए एक दो और तीन और चार पेड़ लग गया हाँ जी परसों तो बता रहे पानी छोड़ रहा उस हड़का पन्नी हटा लें इसकी तो अपने आप जड़ पकड़ जाएगा आज सुबह 7 बजे से 12 बज चुके हैं इसी काम में तो अब यहाँ पर पेड़ लग रहे हैं तो इनके जियो टैग करवा रहा हूँ। देखिए ये छठा गाँव है छठा नहीं पाँचवा गाँव है ये इससे अलग दो गाँव हो रह गए हमारे 7 गाँव है पूरे हमारे पास 6 बजने में 10 मिनट रहेगी जी 10-12 मिनट यही सोच रहा बस आज 11 घंटे की ड्यूटी करी है मैंने और हालत आज मैं नहाया नहीं 2-3 फ्री मुँह था बस ट्वेल्व पे क्योंकि जियो टैग करी ना कई गांव में 7 गांव में जियो टैग करी आज मैंने और रास्ते में ट्वेल्व मुँह धो लिया पानी पी लिया और खाना भी आज 2:30 बजे खाया इतनी बुरी हालत हो गई जी बुझाने आ गई और इसके बाद ही ये देख लो अब आया हूँ क्योंकि आज कांति भाई नहीं आए थे इसलिए मुझे आना पड़ा लेट
नहीं तो मैं आज जियो टैग करने गया था, सिर्फ 2:30 बजे मैं घर जा जाता। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी इतना लंबा टूर हो जाता है, टूर भी होगा एक, और कार्य वो था आज कंप्लीट हो गया। 4-5 दिन का कार्य एक दिन में कर दिया मैंने आज। चलो जी नहाता हूँ बस, मैं घंटे में नहाऊंगा भैया, अपना शरीर थोड़ा सस्ता आ सके, पसीना सुखा के जब नहाऊंगा।